हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में मैं बीए सेकंड ईयर का जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, यूनिट वन जो होता है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस 2-2 मार्क के होते हैं। तो इसमें आता क्या है वो देख लीजिए। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के प्रकार आते हैं, लिरिक, सोनेट, ओड, बैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ईपिक और एलिजी। ये इसके बारे में डेफिनेशन आती है और ये क्या होता है इसके बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम अगली वीडियोस में आपको डिस्कस कर देंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशंस आते हैं। ये पोएट्री सेक्शन है। विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम हैं, 3 ईयर्स शी ग्रू और वी आर 7, दोनों बहुत ही प्यारी सी पोएम्स हैं, इनके एक्सप्लेनेशन आते हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। पी वी शैली की 2A स्काईलार्क है, ओजाई मिनाडाइस है और जॉन कीट्स की ओड 2A नाइटिंगल है और 2 स्लीप है। तो इस तरह से ये जो है बी सेक्शन हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और इसमें जो है यूनिट थर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। मैथ्यू आर्नोल्ड की रग्बी चैपल है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस है और द लोटस ईटर्स हैं, 2 पोइम्स हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर है और रब्बी बैन एजरा है। तो देखिए, यूनिट थर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं। एक तो थॉमस ग्रे के ऊपर पूछ सकता है, पोएट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है और दूसरा फिर पोइम्स के ऊपर पर्टिकुलर, एक तो कैरेक्टर एक सेंट्रल आइडिया हो सकता है, पोइम में क्या है वो हो सकता है। सारी ही चीज़ें ऊपर से नीचे तक का जितना भी सेक्शन है वो हम अपने आगे के वीडियोज़ में आपको लाइन बाई लाइन, वन बाई वन, बैक टू बैक हम शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली हिट ए लाइक टू माई वीडियो, काइंडली शेयर द वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट क्लब। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।